हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक जनरल रीडिंग है इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस मनी ट्वेंटी फ़र्स्ट अक्टूबर टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट हम्म ओके सर आई फील व्हेन इट कम्स टू योर करियर आप काफी पैशनेट होकर अपना काम कर रहे हैं नेक्स्ट टेन डेज में uh, आपका जो चाम है आपकी ऑनेस्टी है आपका पैशन है वो आपको बेनिफिट कर रहा है आपके लीडरशिप स्किल्स आपके काम आ रहे हैं आप लोगों को लीड कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए या तो आप ये सब कर रहे हैं या फिर आपको ये सब करने की जरूरत है अपना चाम यूटिलाइज करने की जरूरत है अपनी ऑनेस्टी को थोड़ा बाहर निकालिए एंड लोगों को बताइए दैट आपके जो ओपिनियंस हैं किसी चीज को लेकर ऑनेस्टली ऑनेस्ट ओपिनियंस दीजिए सो दैट लोगों को लगे कि हाँ दिस पर्सन कैंसोर इससे हम पूछ सकते हैं इनके तरफ से हमें सारी चीजें सच पता लगेंगी जैसी है वैसी पता लगेंगी सो आई फील यहाँ पे ऑनेस्टी पैशन चाम लीडरशिप स्किल्स ये सारी चीजें थोड़ा यूज में लाने की जरूरत है नेक्स्ट टेन डेज में यूज में आ रही हैं या लाने की जरूरत है बट um, आप लोगों को लीड कर रहे हैं लोग आपको फॉलो कर रहे हैं मे बी यू आर लीडिंग अ टीम आपको आपको आप एक अपॉर्चुनिटी मिले एक एग्जाम्पल सेट करने का कि ऐसे काम करना है और फिर लोग आपके स्टेप्स पे फॉलो करना स्टार्ट करें वो चीज मुझे होती भी दिख रही है ऑल्सो <coughs> मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने काम में इवन दो आप लोगों को बता रहे हैं कैसे करना है एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड प्योर एंड लॉयल भी बहुत है और अपना एक चाम यूज कर रहे हैं वो आपको चीज बेनिफिट कर रही है बट आई ऑल्सो फील के आप ना थोड़ा सा इंपल्सिव भी हो रहे हैं काम को लेकर लाइक आप जल्दबाजी कर रहे हैं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है तो मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो जल्दी रिजल्ट्स अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आपका थोड़ा सा गुस्सा बाहर आ रहा है हॉट टेंपर बाहर आ रहा है चिड़चिड़ हो रहे हैं सो so, वो जल्दबाजी में काम करना है अचीव करनी है सर्टेन थिंग्स तो एक हो सकता है कोई हेस्टी डिसीजन ले लें आप बट पैशन मुझे काफी दिख रहा है आपका काम में आ, पसंद से काम करना हाँ मुझे ये काम पसंद है मुझे शौक है इस काम का तो एक शौक से काम करना वो वाली चीज दिख रही है बट उसमें वो वो जो शौक है ना इतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आपको जल्दी क्विक रिजल्ट्स चाहिए होंगे ठीक है तो वो क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं गलत डिसीजन तो नहीं बट जिस चीज को आप डिसाइड uh, करने में दस दिन लगा सकते हैं यू बी लाइक नहीं नहीं दस दिन क्यों लगाने दो दिन में करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं तो वो चीज मुझे दिख रही है वेन इट कम्स टू मनी देखिए पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना वो काफी ऑन पॉइंट हो सकती है नेक्स्ट टेन डेज में आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी पहले से ही कि क्या चीज आपके पास आने वाली है पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है किस तरीके से पैसा आ सकता है किस तरीके से पैसा जा सकता है कोई सीक्रेट रिवील हो सकते हैं uh, किसी तरीके का सम अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी तो वो चीज रिवील हो सकती है बट वो सीक्रेट रिवील होने पे आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपकी इंट्यूशन जो है कि आप उसकी सुनते हैं नहीं सुनते हैं आपके इंट्यूशन आपको गट फीलिंग इंस्टिंक्ट आपको बता रही है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू अचीव मनी बट आप उसकी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं वो कंप्लीटली आपके ऊपर है क्योंकि uh, मुझे ये चीज दिख रही है कि जैसे ही आपको कोई चीज रिवील होगी सीक्रेट रिवील होगा अबाउट मनी और लाइक अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हाउ यू कैन मेक मनी या फिर कहां पे आपका नुकसान होने वाला है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वाइजली बिहेव करें अपना विजडम यूज करें ना कि आप बिल्कुल इंपल्सिव हो जाएं और गुस्से में आ जाएं और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सो so, थोड़ा आपको ठहराव के साथ क्योंकि आपकी इन ट्यूशन आपको पहले से ही बता रही है कि भाई क्या करना है थोड़ा थोड़ा आपको ठहराव के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा वेन इट कम्स टू मैरिज आई फील आपको जस्टिस मिल रहा है पीपल हैव नॉट बीन फेयर टू यू इन योर पर्सनल रिलेशनशिप लाइक योर हसबेंड योर वाइफ योर पार्टनर एंड आपने जितनी भी एफर्ट्स डाले हैं मैरिज में उतना आपको नहीं मिले हैं वापिस ठीक है तो वो इक्वल इक्वल चीज नहीं रही है कभी कि हाँ आप अगर दो कदम आगे बढ़ाओ तो आपका पार्टनर भी दो कदम आगे बढ़ाए बट नेक्स्ट टेन डेज में आई फील आपको जस्टिस मिल रहा है फेयर चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी मैरिज में एंड इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोकेशन जो भी बोल रहे वो चीजें होंगी ठीक है तो यहाँ पे बैलेंस तरीके से थोड़ा सा मैरिज आगे बढ़ेगी कि आप अगर लाइक मिडवे सोल्यूशन निकाला जाएगा बैलेंस तरीके से कि आप अगर पांच कदम आगे आए तो वो भी पांच कदम आगे आए ये नहीं कि आप ही हमेशा उनकी तरफ जा रहे हैं या आप ही हमेशा सॉरी बोल रहे हैं या आप ही सारे एफर्ट्स ले रहे हैं तो आई फील मैरिज में थोड़ी सी चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं बट ऑल्सो मुझे ये भी चीज दिख रही है कि मीनिंगफुल uh, क्रिटिसिज्म होता दिख रहा है यहाँ पे आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कोई आपको कर रहा है टफ लव प्रोटेक्शन थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है लेट से कोई आपको अगर मोटा बोल रहा है ठीक है आपका पार्टनर अगर आपको बोल रहे हैं कि लिसन यू आर गेनिंग वेट एंड यूर बिकमिंग फैट एट्रा ऑफकोर्स टोन मैटर्स कि वो इंसान आपको डिमीन तो नहीं कर रहा है आपको दस जनों के सामने तो नहीं बोल रहा है आपको किस तरीके से मोटा बोल रहा है क्या एक वो बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है बट टोन पे आप ऑफ़ कोर्स यू कैन हैव अ डिस्कशन विद योर पार्टनर दैट लिसन आई डिड नॉट लाइक योर टोन यू कुड हैव बीन लिटिल मोर रिस्पेक्टफुल अबाउट दिस बट आप इस चीज पे भी फोकस करिए कि जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको वेट गेन पे क्या वो सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप एवरी टाइम यू कांट फोकस ऑन द फैक्ट उनकी टोन खराब थी आपको इस चीज पे भी फोकस करना पड़ेगा दैट आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे इसलिए आपका पार्टनर आपको टोक रहा है बिकॉज वो आपका पार्टनर है आपकी हेल्थ खराब होगी तो उनका भी तो पीस ऑफ माइंड खराब होगा So, वो उनके लिए भी जरूरी है तो क्रिटिसिज्म होगा बट आई फील वो टफ लव प्रोटेक्शन आप उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे क्योंकि आप सिर्फ एक चीज पे अटके रहेंगे कि ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है एंड यू विल रिफ्यूज टू लुक एट इट एक दूसरे तरीके से कि हाँ ये मेरे फायदे की चीज बोल रहा है तो वो मुझे थोड़ा सा मैरिज में मिसमैच होता हुआ लग रहा है ऑल्सो uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर आप ना थोड़ा सा हमेट मोड में जाएंगे नेक्स्ट टेन डेज में यू 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 विल फ्रॉम अराउंड एंड लाइक विल आस पास के लोगों से सोसाइटी से एंड यू लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन एंड मुझे देखना है कि मैं लाइफ में कितना अचीव कर चुका हूं अभी तक मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी जो मैं था और अब जो मैं हूं मैंने मुझे क्या अचीव करना था और मैं कितना आगे तक पहुंचा हूं तो वो एक होता है ना कि मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए लोगों से इंट्रोस्पेक्शन मोड कि मैं कहा पहुंचा हूं मैं क्या हूं तो वो इंट्रोस्पेक्शन मोड मुझे आपका लग रहा है आता हुआ अम्म हेल्थ को लेकर मुझे से लग रहा है स्किन रैशेज हो सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन कोई हो सकता है एलर्जी uh, उसके अलावा as such, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी हेल्थ से रिलेटेड अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक्स से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फॉर कैंसर बट उससे पहले गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए आपको रिगार्डिंग हीलिंग और रेखी और क्रिस्टल्स एनीथिंग तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं पीसीओडी थायराइड माइग्रेन एक्ने गट रिलेटेड इश्यूज हैं आपको इनडाइजेशन um, है आपको या सर्वाइकल um, है साइनस है uh, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया कॉन्फिडेंस की कमी क्लैरिटी की कमी um, रिलेशनशिप ट्रामाज है चाइल्डहुड ट्रामाज है तो ये सारी चीजें इसलिए होती है बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक होते हैं अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं रेकी हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक आप रेकी इनफ्यूज क्रिस्टल्स भी चूज कर सकते हैं आप रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं मुझसे जो भी आपको कन्वीनियंट हो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ अगर आपको अपना और क्लेंस करवाना है तबियत बहुत जल्दी खराब होती है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं तो हम औ क्लेंग कर सकते हैं अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड यू वांट टू कट कॉर्ड्स ठीक है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आप अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी आपका और किस कलर का है आप हील कर रहे हैं या किस स्टेज से अभी गो थ्रू कर रहे हैं ऑल्सो आपका जो um, चक्रा है वो कौन सा सबसे ज्यादा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है तभी तबियत खराब हो रही है ये सारी चीजें हो रही है तो ये हम और स्कैनिंग के थ्रू देख सकते हैं बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है आप इन हीलिंग प्रैक्टिस में बिलीव करें कि हाँ ये काम करेंगी एंड आप पेशेंस रखें अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए एंड यू फील के मंडे uh, को हीलिंग सेशन हुआ एंड फ्राइडे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा या नेक्स्ट फ्राइडे तक दो हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा देन That's not possible. वो मैं आपको पहले ही बता रही हूं हीलिंग है मैजिक स्पेल नहीं है ठीक है तो क्विक रिजल्ट अगर आप सोच रहे हैं एनर्जी एज वेल एज हीलर का टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप कोई और चीज ऑप्ट कर सकते हैं बट हीलिंग के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी नेक्स्ट टेन डेज ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसेर ओके सो कैंसर आई फील कोई ऐसा जान पहचान का आपका इंसान हो सकता है आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइन योर लाइक साइन योर बट किसी पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ेंगे उनको कुछ बोलेंगे कि हाँ ये कर दो तुम मैं नहीं कर पा रहा हूं या मैं नहीं कर पा रही हूं एंड uh, तुम कर दो एंड वो चीज नहीं होगी आपकी बिकॉज दिस पर्सन इज अम एंड अनडिपेंडेबल तो आप सोचोगे कि ये आपके लिए चीजें पूरी कर देगा टीम मेंबर हो सकता है क्या आप छुट्टी लो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप इसको बोलो कि हाँ भाई तू कर दियो मेरे लिए काम तुम कर देना प्लीज और वो नहीं करे मे बी जान के ना करे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपका काम पूरा हो या फिर देपेबल ऑफ हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ध्यान रखना है <coughs> कि किसको आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं समवन वन न्यूज एंटरिंग योर लाइफ चेयर फील्ड कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ टीम मेंबर और लाइक अ पार्टनर बिजनेस पार्टनर कोई भी हो सकता है बट कोई नया इंसान एंटर कर रहा है uh, अब देखिए जब भी मैं बोलती हूँ कि कोई नया इंसान लाइफ <coughs> में एंटर करने वाला है कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप हमेशा बोलते हो बट लाइफ uh, <coughs> में कोई एंटर तो करता नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज करिए गाइज ये जनरल रीडिंग्स है ठीक है जनरलाइज्ड रीडिंग्स है ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है यहाँ पे मुझे आपका नाम नहीं पता आपका डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ कुछ नहीं पता तो मैंने आपको दिमाग में रख के रीडिंग नहीं करी है ठीक है तो अगर लेट से 2000 लोग कैंसर मेरी वीडियोस देख रहे हैं दुनिया के कैंसर की तो बात नहीं मैं कर सकती बट अगर 2000 कैंसर साइन um, के लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको लगता है कि वो पूरे के पूरे 2000 की लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान एंटर करेगा इट इज जस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल राइट सो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करिए जेनरल रीडिंग्स हैं कई चीजें रेजोनेट करेंगी कई चीजें नहीं करेंगी तो उस तरीके के कॉमेंट्स प्लीज रिफ्रेन करिए एंड आई आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा हाउ टैरो वर्क उनके बारे में एक बार पढ़िए आपको अपने आप थोड़ी सी चीजें समझ आ जाएंगी वाइन सीकआउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू देखिए अनप्रोडक्टिव चीजों में टाइम कम लगाइए नेक्स्ट टेन डेज में एंड जो चीजें आपको बेनिफिट करती हैं, स्टॉक्स या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके वर्क प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो एंड आपको हेल्प करे आपके लिए बेनिफिशियल हो ठीक है उस इंफॉर्मेशन पे अपना टाइम एनर्जी लगाइए कि कोई कुछ डिस्कस कर रहा है तो आप उसके संग बैठ गए वो चीज डिस्कस करने आपका लेना देना नहीं है आपको ना नुकसान होगा ना फायदा होगा बट टाइम वेस्ट जरूर होगा उस चीज से तो आपको उस चीज का पार्ट क्यों बनना है सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू हर इंसान से वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए आसपास वालों से वैसी कोई इंफॉर्मेशन या वैसी कोई स्किल सीखने की कोशिश करिए जो कि आपको फायदा करें ओके okay? कैंसर के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर हेल्थ मैरिज मनी ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर कैंसर के लिए मैसेजेस यूनिवर्स समवन इज बिहेविंग स्टूपरली देखिए कोई इंसान है जो कि बहुत स्टूपर बिहेव कर रहा है नेक्स्ट टेन डेज में <coughs> Uh, जान पहचान का हो सकता है अनोन इंसान हो सकता है बट डेफिनेटली uh, थोड़ा सा व्यर्ड बिहेव करने की कोशिश करेंगे ये एंड आपके लिए हो सकता है अनडिपेंडेबल इन इंसान यही हो एंड आपको लगे कि यार ये तुमने क्या बेवकूफी करी है मैं तुमको इतनी इतना मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया था बट स्टूपेड है ये इंसान तो है तो अब वो आपके ऊपर है कि आप स्टूपेड इंसान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल के गए डीलिंग और रिलेशनशिप विदेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और व्हाइट हेयर एज में बड़ी हो सकती है या फिर शायद या कोई भी एज की हो सकती है बट व्हाइट ब्लॉन्ड ग्रे हेयर हो सकते हैं छोटे बाल हो सकते हैं इनके साथ बिजनेस डीलिंग या पर्सनल रिलेशनशिप काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं नेक्स्ट टेन डेज में uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर आप काफी डिससेटिस्फाइड है रह सकते हैं नेक्स्ट टेन डेज में मे बी यू वॉन्टेड समथिंग इन योर लाइफ एंड एग्जैक्ट चीज नहीं मिल रही है आपको उसका थोड़ा सा थोड़ी सी कम चीज मिल रही है चाहिए था तीस परसेंट इंक्रीमेंट मिल गया पंद्रह सो so, dissatisfaction बट किसी चीज से आप खुश नहीं है लाइफ में एंड वो जो dissatisfaction है वो बाकी चीजों में भी निकल के आती दिखेगी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में यूजुअल चीजों में भी बाहर निकल के आएगी एंड आप बाकी लोगों को आपके आस वाले लोगों को भी दिखने लग जाएगा दैट कैंसर इज वेरी डिससेटिस्फाइड विद लाइफ मतलब जो मिल रहा है उससे भी खुश नहीं है नहीं मिले तो भी खुश नहीं है तो वो एक ऑल इन ऑल एनर्जी आपकी थोड़ी सी वाइब बाहर निकल के आएगी नेक्स्ट डेज में ओके मोर नेक्स्टेज लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा था थैंक यू बाय